स्ट्रेस मैनेजमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें दो शब्द आते हैं, स्ट्रेस और मैनेजमेंट, जिसमें स्ट्रेस का मतलब होता है मेंटल टेंशन और मैनेजमेंट का मतलब होता है हाउ टू मैनेज। यानी कि सिंपली कहूँ तो स्ट्रेस मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें या फिर अपने स्ट्रेस से कैसे छुटकारा पाए। और स्ट्रेस जो कि बड़ी कॉमन सी चीज़ है, क्योंकि इस पूरी दुनिया में सभी को कोई ना कोई स्ट्रेस ज़रूर होता है। और स्ट्रेस होने का मेन रीज़न होता है ओवरथिंकिंग, और ओवरथिंकिंग में लोग छोटी से छोटी बातों को बड़े डीपली सोचने लगते हैं। ओवरथिंकिंग में लोग अपने पास्ट, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर के बारे में नकारात्मक से नकारात्मक विचारों को सोचने लगते हैं, और बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक सोचने पर हमें स्ट्रेस होने लगता है। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेस का हमारे बॉडी पर बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्ट्रेस के बारे में मैं आपको जितना बताऊँ उतना कम है, क्योंकि स्ट्रेस छोटे से लेकर बड़े सभी कभी ना कभी अनुभव ज़रूर करते हैं। बच्चों में पढ़ाई का टेंशन और बड़ों में अपने फैमिली या फिर अपने काम का टेंशन, ज़्यादा समय तक कोई भी चीज़ को सोचकर ही लोग स्ट्रेस को अनुभव करते हैं। वैसे स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें वो मैं आपको बताऊंगा। तो वेल, सबसे पहले कभी भी हमें ओवरथिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस लेने का एक मेन रीज़न ओवरथिंकिंग ही होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। और एक चीज़ जो आपने कॉमनली टीवी सीरियल्स और मूवीज़ में देखी होंगी कि स्ट्रेस में लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग करने लगते हैं, बट वेल, स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से स्ट्रेस कम नहीं होता है, बट स्मोकिंग और ड्रिंकिंग से हमारी हेल्थ पर बुरा प्रभाव ज़रूर पड़ता है। और ये सब चीज़ें हमारी लाइफ स्पैन भी कम करती हैं, और इसीलिए हमें ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। हमें स्ट्रेस किसी न किसी चीज़ को लेकर होता है, बट वेल, कोई भी प्रॉब्लम लाइफ टाइम तक नहीं रहती, इसीलिए हमें स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है कि स्ट्रेस हम तभी लेते हैं जब हम फ्री हो या फिर हम कोई काम नहीं कर रहे हो तब। इसीलिए सबसे पहले अवॉइड फ्री स्पेस इन योर लिस्ट, यानी कि अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ ज़रूर करो, जैसे कि एक्सरसाइज या फिर योगा या फिर आप बुक्स भी रीड कर सकते हो। वेल, अगर ये सब नहीं हो सकता है तब आप म्यूजिक सुनो, या फिर आप गेम्स खेलो, या फिर आप मूवीज भी देख सकते हो, या फिर अपने फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, क्योंकि ये सब चीज़ें करते वक्त आप कोई चीज़ सोचोगे नहीं, और जब आप कुछ सोचोगे नहीं तब आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा, और ऐसा करके आप बड़े इजीली स्ट्रेस को मैनेज कर पाओगे। और स्ट्रेस होने का एक और एक रीज़न हो सकता है अच्छी नींद ना लेना। ट्राई करो कि आप अपनी नींद पूरी ले, और हो सके तो आफ्टरनून में एक शॉर्ट पावर नैप भी लो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई है तब। बहुत से लोग अपने काम का टेंशन घर पर लेते हैं और सोचने लगते हैं कि वो काम पूरा होगा कि नहीं होगा, बट वेल, जो काम हम उस टाइम या फिर उस सिचुएशन में कंप्लीट या फिर उसे सही ना कर पाए, तब हमें टेंशन नहीं लेना चाहिए, और हमें उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और घर में एक पॉजिटिव वाइब के साथ फैमिली को टाइम देना चाहिए। और भी ऐसी बहुत ही अमेजिंग वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो चैनल पे न्यू है वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं एक और न्यू स्पेशल वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय।